स्वागत है तुहाडे इस चैनल विच। मैं संजीव रोड़ा अज तुहाडे लई इक नवीं वीडियो लेके आया। इस वीडियो में मैं वाशिंग मशीन के स्पिन वाले पास से ड्रम की गल करांगा। ड्रम अक्सर देखते हैं कि साइडा ते वजन लग पैंदा, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता, खड़का करता। ये क्यों करता ये तुहानूं मैं दसदा। सब तो पहला तो आप वाशिंग मशीन का जिहड़ा बैलेंस है, जमीन तो बैलेंस है, वो सही होना जरूरी है, देखते हैं आप। उस तो बाद अपने आ जाता वाशिंग मशीन का ड्रम आ जाता, जिंदे च स्पिन ड्रम जिन्हों कहने आप। स्पिन ड्रम के उपर एक बैलेंसर हों, टुट जाए या कुछ उन्हें त्रेड़ वगैरह आ जाए तो उनके नाल भी यदा बैलेंस बिगड़ जाता है। ये मैं ड्रम तुम दिखा, ये ड्रम है वाशिंग मशीन के स्पिन वाला ड्रम। इस उपरले इस हिस्से बैलेंसर कहते हैं। ये चार नटा या छे नटा कसया हों, डैमेज इतों हो जाए, टुट जाए, टुट के डिग जाए तो भी इसका बैलेंस जोड़ा हों बिगड़ जाता है, तो भी यह वाशिंग मशीन के चार पास बजना शुरू हो जाता है। उस तो बाद आ जाते हैं इसकी शाफ्ट। शाफ्ट के इतों त्रेड़ा आ जाने, थोड़ी विंगी हो जाए, इतों गल जाए तो भी विंगी हो जाती है, फिर भी इस करके भी अपना ड्रम थोड़ा साइडा से वजन लग पाता है, जिस कि काफ़ी ज़्यादा वाशिंग मशीन वाई करती है। वाशिंग मशीन के इस हिस्से के काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता जो ये हिस्सा अपना ब्रेक व्हील के कसया हों, इस हिस्से कसया हों। कई बार की होंगे इन नट फ्री हो जाता तो ड्रम भी कला घूमन लग पाता, ड्रम कला घूमता तो वाशिंग मशीन की ये शाफ्ट दे जिहड़ी हैगी है ये ब्रेक व्हील दे विच लगी हुंदी है। ये वाशिंग मशीन का ब्रेक व्हील हुंदा है, इहदे नाल ब्रेक लगती है तो यह मोटर के उपर फिट किया हुंदा, इस तरह मोटर के उपर फिट किया हुंदा। उस तो बाद ड्रम इन दे विच लग जाता है। ये जो ड्रम दे विच लगन ते ये जिहड़ा साइडां नूं जदों ऐ इस तरह नहीं ज़्यादा करना चाहिए, अगर ज़्यादा करता तो भी ड्रम एक साइड नूं चले जाता जिस नाल कि वाशिंग मशीन वाज करती है। ये विच पाते ना मात्र जिहा हिलना चाहिए, इसका सुराख का ब्रेक व्हील का ये वाला सुराख वाला मूँह खुला हो जाए तो फिर भी ड्रम एक साइड नूं चले जाता, ये भी ध्यान रखना जी। इस ये भी आप चेक कर सकते हैं। उस तो बाद आ जाता इसका बुश। वाशिंग मशीन का जो बुश है ये खराब हो जाए, ये भी इन्दे करके भी ड्रम एक साइड चले जाता। वाशिंग मशीन की मोटर के उपर कसन दे बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, अपने किसी साइड तो बिल्कुल इन्हें विचले साइड तो आप पता वेख सकते घुमा के भी इसका बैलेंस सही है कि नहीं है। हुण जी कि इस तरह लगता जिवें ठीक है। उस तो बाद आ जाता वाशिंग मशीन की एक सील आ जाती, इन्हें विचाले इन्हें ब्रेक व्हील, ब्रेक व्हील तो ड्रम के विचाले इतने सील लगी होंगी, जड़ी सील का फट जाना जा वह विचों निकल जाना उनके करके भी ड्रम एक साइड से वजन लग पैंदा। दोस्तों ये वाशिंग मशीन की मोटर के उपर मैं ब्रेक व्हील फिट किया हो, अपन घुमा के देखते हैं तो बिल्कुल यह 0-0 साइज़ है। इसका विचला जो विचली किनारी आप देखते हैं तो बिल्कुल 0-0 साइड है, कोई आउट नहीं है। वाशिंग मशीन के नीचे तीन शॉकर होंगे है, एक इतने पिछले पास होंगे इधरले पास, ये शोकरां दे विच्चों कोई रबड़ फट जाए, किसी एक दी रबड़ फट जाए तो भी ये वाशिंग मशीन का बैलेंस जिहड़ा मोटर का बैलेंस बिगड़ जाता, थोड़ी एक साइड नूं हो जाती है। तो वाशिंग मशीन का स्प्रिंग गल जाए, टुट जाए, जां इस दे विच एक रबड़ हुंदी है अवली, ये रबड़ दे विच्चों खुल जाए तो भी ये एक बैलेंस इहदा बिगड़ जाता, जिस पासे वाली ये शोकर खराब होगा उस पासे नूं ये झुक जाएगा। दोस्तों शोकर तो ब्रेक व्हील दे विच कोई नुक्स है कि नहीं है ये किवें पता करना है। ये फिट करन तो बाद आप जो इसकी सील फिट करते हैं उपरले पासे, जो आप इस ड्रम में सील फिट करते हैं तो इसका सील फिट करन तो बाद आप देखना होंगे भी जो सुराख है, ये सुराख दे विचों दी देखांगे तो यह सुराख बिल्कुल सेंटर च होगा, अगर ये सेंटर च ना हो थोड़ा जहा साइड तो हो जिमें कि थोड़ा जहा इस साइड तो गया चला मान के चलो तो एक सूत या दो सूत एक साइड गया चला, जिस पासे भी इस डाउन होवे तो उस पासे वाला शोकर खराब होने के चांस होंगे है। आप इसनों घुमा के देख सकते हैं जो इन सील फिट की हो थोड़ा जहा घुमा के देखो, मान के चलो जी इस पासे अपना डाउन है तो घुमाने तो बावजूद भी थोड़ा जहा घुमाने के बावजूद भी इसे पासे ही आप देखते हैं भी इसे पासे ही डाउन है तो इसका मतलब होंगे भी शोकर डाउन है।
अगर जिवें जिवें आप ब्रेक व्हील घुमाने फिट करन ते आप इस तो फिट करन तो बाद आप इहनू घुमाने जिधरले पासे ब्रेक व्हील घूमदा मान के चलो इस पासे अपना डाउन है थोड़ा जिहा साइड नू जांदा पिया इहदे विचों दी देखदे वी साइड नू जांदा पिया तां जे इस पासे नू साइड नू जांदा पिया तां देखो जी घुमाण दे नाल इसे पासे नू रहिंदा तां फिर इहदा ब्रेक व्हील दा बुश खराब है उसनू चेंज करो चेंज करन तों बाद फिर इहनू बिल्कुल जीरो जीरो साइज़ लैके आओ जिवें कि आपां देखदे हां इत्थे इह देखो बिल्कुल जीरो जीरो साइज़ है सेंटर दे विच देखदे हां बिल्कुल जीरो जीरो साइज़ है ये बिल्कुल साइज़ का मतलब भी बिल्कुल सेंटर के विच है जीरो जीरो का मतलब बिल्कुल सेंटर के विच घूमता साइड आउट नहीं घूमती अगर ये आउट घूमे तो फिर भी इन जो बुश है वह खराब है उसनू ठीक करो ये दोनों चीज़ा जो इन बिल्कुल सेंटर के घुमाण तो भी ये बिल्कुल सेंटर च रहे इनका ब्रेक व्हील सेंटर च रहे तो इनका मतलब है भी अपना जड़ा ब्रेक व्हील का बुश से जो शॉकर है इतने ठीक है अगर एक साइड नू चले भी जाता है तो इन्हें आप नीचे इन्हें कुछ दे के जां शॉकर का मूँह थोड़ा खुला करके किसी चीज़ नाल तां आपां इन्हू एक थोड़ा उपर उठा सकते हैं जे एक पासे वाला शॉकर खराब है तो उस तो बाद आपां इन्दा ड्रम फिट करते हैं। दोस्तों वाशिंग मशीन की मोटर फिट करन तो बाद सील फिट करन तो बाद आपां ड्रम फिट कर दिंदे आ तो ये देखते हैं भी ड्रम बिल्कुल सेंटर दे विच है कि नहीं आपां जदों वेख्या भी जो घुमाने तो बिल्कुल सेंटर जा तो ठीक है अगर एक सेंटर तो एक साइड में जाता है जिमें कि थोड़ा जहा मन लो इस साइड में जाता है तो कि ये द्वारा द्वारा घुमाते इसे साइड में रहा जे इसे साइड तो एक साइड में रहा जेडे इको साइड पर रहा है डाउन रहा तो इसका मतलब हों इसका शॉकर खराब है जे बिल्कुल सेंट जिधर जिधर घुमाई जाने उधर उधर जाता तो इतों भी पता लग जाता आपां नूं कि इसका ब्रेक व्हील खराब है ब्रेक व्हील नूं ठीक करो। ये देखो बिल्कुल सेंटर च जा रहा। दोस्तों आपां जदों ये मोटर फिट कर ली है हुण सारा कुछ फिट होने तो बाद देखते हैं भी बिल्कुल सारा साइड बिल्कुल सही है ये भी सेंटर से घूमता है ब्रेक व्हील भी ठीक है अपना बुश भी ठीक है शॉकर भी ठीक है। उस तो बाद आपां जदों स्टार्ट करते हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा बारी यह साइड साइड से वजी दी उसका एक कारण हुंदा भी इसका कपैसिटर जिहड़ा हुंदा वा वह डाउन हो जाता वा इसका कपैसिटर हुंदा जो भी इनकी मोटर के नाल सूट करता हुंदा चार का पाँच का या छे का उसको चेंज करो। जदों मोटर स्टार्ट करिए आपां तां इहनू आपदी पूरी स्पीड जिहड़ी हुंदी है वह दो सैकेंड दे विच पूरी करनी चाहिए है जिन्हें भी आर पी एम हुंदे इस दे दो सैकेंड विच पूरे करने चाहिए है अगर ये पांच तो पांच सैकेंड जां उस तो ज़्यादा टाइम लैंदा वै तो इसका मतलब उसका कपैसिटर डाउन है तो कपैसिटर चेंज करन तो बाद फिर करो। हाँ एक एम टी दे हुंदे दो सैकेंड टाइम जिहड़ा हुंदा एम टी सिलेंडर होना चाहिए है इहदे विचों खाली होना चाहिए अगर इहनू आपां पानी कपड़े पा दिंदे इहदे विच पा के तो फिर दुबारा उदों आपां इहनू स्टार्ट करदे आ उदों एक सैकेंड वध लैंदा तीन सैकेंड दे विच आपदा चक्कर पूरा करदा वा। इस दे विच इह वी ध्यान रखना पैंदा भी इहदे जिहड़े कपड़े आ बिल्कुल बैलेंस नाल पे होने चाहिए है अगर बैलेंस नाल पे पैंदे माड़ा मोटा साइड आउट हुंदा बैलेंस इस दे विच कपड़िआं दा तां इह एक दो वारी साइड ते वजदी आ उहदा कोई ज़्यादा उहदा कोई उहनू कोई रीज़न नहीं मन्निआ जांदा उहदे विच कोई नुक्स नहीं मन्निआ जांदा गा जे जदों बहुत ज़्यादा साइडा से वजदी है तो उनके करके ही आप मन सकते हैं भी हाँ भी इन्हें कोई नुक्स है तो सारे तुम नुक्स दस दिते हैं इन कि नुक्स होंगे कपैसिटर तो लैके बैलेंस ड्रम शाफ्ट सील ब्रेक व्हील बुश तो शॉकर शॉकर का साइड तो आउट होना तो या फिर इसका गलना ज रबड़ का फटना ये सारे कारण हो जाते हैं इसके तो इस अपने साइड पर ज़्यादा टकराते जो ड्रम जोर जोर दी नाल साइड पर टकराता। दोस्तों ये तुहानू वीडियो किस तरह लगी प्लीज़ मैनू कमेंट करके दसो अगर तुहानू इस बारे कोई होर जानकारी चाहिए हो प्लीज़ मैनू नीचे बॉक्स में कमेंट करो मैं तुहानू इसका जवाब दूंगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सबसक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।